आईपीएल ऑक्शन के सुपरस्टार्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हुए फ्लॉप। अब इस साल की आईपीएल ऑक्शन में कुछ अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स काफी ज्यादा डिमांड में दिखे और जहां कुछ खिलाड़ियों की बोली शुरू तो हुई लाखों से लेकिन जाकर पहुंची करोड़ों तक। अब अगर इन सभी खिलाड़ियों की बात करें तो आईपीएल ऑक्शन में करोड़ों की बोली लगवाने के बाद अब ये सभी खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में एकदम फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं। अगर बात करें सबसे पहले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप खिलाड़ी यानी कि समीर रिजवी की, जिन्हें एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ और 40 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया था, तो वो रणजी ट्रॉफी में अब तक अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। अब तक खेले गए अगर दो मैचेस की बात करें तो जहां समीर रिजवी ने पहले मैच में सिर्फ 26 रन बनाए और दूसरे मुकाबले में भी वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अगर बात करें कुमार कुशाग्र की, जिन्हें ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने 7 करोड़ और 20 लाख की एक बड़ी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था, तो अब तक वो भी पूरी तरह से रणजी ट्रॉफी में फ्लॉप साबित हुए हैं। अब तक खेले गए दो मैचेस की अगर बात करें तो जहां पहले मुकाबले में कुमार कुशाग्र सिर्फ 29 रन बना पाए जबकि दूसरे मुकाबले में वो 36 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों पारियों में उन्हें एक अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन इसे वो एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और अपनी टीम के लिए एक अर्धशतक भी पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे बड़े खिलाड़ी की यानी कि शुभम दुबे की, जिन्हें संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 5 करोड़ और 80 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था और उन पर बड़ा भरोसा जताया था, लेकिन अब तक वो अपनी रणजी टीम विदर्भ के लिए वो काम करने में बिल्कुल सफल नहीं हो पाए हैं और अब तक खेली गई तीनों पारियों में वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। अगर बात करें पहले मुकाबले की तो जहां शुभम दुबे ने सिर्फ 32 और 18 रन बनाए जबकि दूसरे मुकाबले में भी शुभम दुबे सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि वैसे तो टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट एकदम अलग फॉर्मेट है, लेकिन इस तरह का फॉर्म जरूर इन सभी फ्रेंचाइज के लिए एक चिंता का विषय होगा कि अगर ये सभी खिलाड़ी आईपीएल से पहले फॉर्म में नहीं आते हैं तो फ्रेंचाइज ने जो भरोसा दिखाया है और जो इन खिलाड़ियों को इतनी बड़ी बड़ी रकम दी है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या कुमार कुशाग्र, समीर रिजवी और शुभम दुबे आईपीएल की शुरुआत से पहले फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अपनी टीमों के लिए जो प्राइज उन्हें दिया गया है उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।